जाने जा रहे हैं वो है अगेन प्लास्टिक वेस्ट को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। मैंने पहले आपके साथ बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए हैं कि मैं किस तरीके से अपने प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करती हूँ। देखिए, कोशिश तो अब वो है कि मेरे घर में कम से कम प्लास्टिक आए, लेकिन अभी आपको पता है हर चीज़ जो है प्लास्टिक रैपर्स में या प्लास्टिक कंटेनर्स में आती है और उसको अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन धीरे धीरे ही मेरी जर्नी स्टार्ट है कि मैं धीरे धीरे करके कैसे अपने प्लास्टिक को मैनेज करूं या कम से कम घर में लेकर आऊं। तो देखिए, आज मैंने एक चीज़ बनाई है, ये एक छोटा सा, इसको आप मल्टीपर्पज़ यूजेस में ले सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने तो क्योंकि मुझे प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैंने ये तो एज ए पॉट, मैं इसमें पानी वाले प्लांट्स लगाने वाली हूँ। और ये देखिए शैम्पू की बोतल है, क्योंकि मैं नेचुरल शैम्पू बनाकर यूज़ करती हूँ तो उसके लिए मुझे शैम्पू की बोतल सब लानी नहीं पड़ती है बार बार। तो इसको मैं भरने के लिए जो पुरानी बोतल्स मेरे पास रखी हुई थी उसका मैंने ये एक बोतल को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है, क्योंकि इस तरीके की बोतल्स देख के थोड़ी बोरियत होती है बाथरूम में, तो इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है। अब किया कैसे है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो भी सामान पड़ा रहता है उसको मैं यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो कंस्ट्रक्शन का काम चला था उसमें ये बॉल पुट्टी, काफ़ी सारा मटेरियल है जो मेरे पास रखा हुआ है, इसका यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। ये इस तरीके से मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है और नो डाउट सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है बनकर। बनाना कैसे है और क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक तो खाली कंटेनर्स चाहिए, किसी भी टाइप के प्लास्टिक कंटेनर्स चलेंगे, कागज़ के भी चलेंगे, जो अपने पैकेट्स आते हैं वो भी चलेंगे। देखिए, मैंने ये बनाया है, ये जूस की बोतल जो आती हैं अपनी आंवला जूस, उसकी जो ऊपर का कवर था कागज़ वाला, इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, ये बहुत सुंदर लगेगा बन के, तो इस पर मैं अलग से बनाऊंगी। देखिए, ये यूज़ कर सकते हैं, खाली इस तरीके की शैम्पू की बोटल्स कर सकते हैं। ये देखिए, कप्स वगैरह आते हैं आइसक्रीम के, दही के, या फूड, काफ़ी सारे फूड आइटम्स आते हैं उसके कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। ये है इजी का बोतल, जिसका ऊपर का मैंने जो कैप वाला पोर्शन होता है वो चाकू से गर्म करके हटा दिया है। और ये देखिए, ये एक्चुअली रेडी पीसेज हैं, इस पे मैं वॉल पुट्टी चढ़ा चुकी हूँ। ये अगेन देखिए शैम्पू की बोतल है, जिसका ऊपर का कवर मैंने यहाँ से ऐसे काट दिया है और ये देखिए एक कंटेनर बन गया है। ये सब मैंने पानी वाले प्लांट्स के लिए लगाए हैं। ये देखिए, एक शैम्पू के अगेन इस टाइप के शैम्पू की बोतल है, जिसका ऊपर का कवर मैंने हटा दिया है और इसको काट कर मैंने ऊपर से प्लेन कंटेनर के जैसे बना लिया है। अब बनाना कैसे है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है मैंने बता दिया। एक तो चाहिए हमें वॉल पुट्टी, एक चाहिए हमें देखिए इस तरीके का, अगर आपको पेंटिंग करना है लीफ इंप्रेशन तो अलग अलग टाइप्स की लीव्स चाहिए, नहीं तो आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप कुछ भी कलाकारी उस पर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें भी फाइनल कोट मैंने नहीं किया है, वो मुझे वार्निश का करना है, तो वार्निश आप ला सकते हैं, मैं अभी लेकर आई हूँ, मैंने किया नहीं है। इस पर वार्निश है ये, जो कि लकड़ी के आइटम्स या पॉट्स वगैरह पर किया जाता है। और ये चाहिए फैब्रिक कलर्स, जो भी कलर्स आपको ज़रूरत हो वो आप ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, किसी भी कंटेनर पर फेविकॉल लगा लेंगे, अच्छे से एक लेयर लगा देंगे फेविकॉल की, और इसके ऊपर आप टिश्यू पेपर चिपका सकते हैं, या मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है तो मेरे पास एक बहुत ही पतला कागज़ है वो मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी अच्छे से, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर डायरेक्ट बिरला पुट्टी जो है, बॉल पुट्टी जो है, चिपकती नहीं है, छूट जाती है, तो कागज़ चिपका रहेगा तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और मेरे पास देखिए एक कंटेनर बना हुआ था, जो कि अभी वो मेरी ही गलती से टूट के ख़राब हो गया, वो एक्चुअली आंधी आई थी तब बाहर रखा रह गया था तो उसकी वजह से ख़राब हो गया। नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से ये काम करते हैं और चलते हैं अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से इस पर बहुत अच्छे से जो है ये कागज़ चिपका देना है। आप छोटे छोटे पीसेस में भी करके चिपका सकते हैं, जैसे आपको कम्फर्टेबल हो वैसे आप करें इसको काम, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली चिपक जाता है पेपर, नहीं तो आपको इससे फिनिशिंग नहीं आती है, तो आप छोटे छोटे पीसेस भी करके फेविकॉल से कर सकते हैं इसके ऊपर। इसी तरीके से नीचे के जो इसका तली है इस पर भी हम चिपका लेंगे।
सेम इसी तरीके से ये जो शैम्पू की बोतल है इस पर भी हम चिपका लेंगे। फेविकॉल थोड़ा अच्छे से लगा दीजिएगा क्योंकि वो पेपर जो है अच्छे से चिपक जाना चाहिए, नहीं तो वो बीच में बबल्स रह जाते हैं, फिर पेपर कहीं कहीं से चिपकता नहीं है, तो मैंने नोटिस किया है वो चीज़ बार बार निकलती रहती है फिर वहाँ से। तो फेविकॉल की एक अच्छे से लेयर लगा के पेपर जो है इसके ऊपर चिपका देंगे। देखिए इस पर भी मैंने पेपर चिपका दिया अच्छे से। अब थोड़ी देर के लिए इनको साइड में सूखने के लिए रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा वॉल पुट्टी को घोलना। वॉल पुट्टी देखिए बहुत ही इजीली जो पेंट वगैरह की शॉप्स होती हैं वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती है, तो और बहुत सस्ती आती है, बहुत महंगी नहीं आती, 30-35 रुपये का एक 1 kg का एक पैकेट मिलता है, तो वो ला के आप काफ़ी सारे उससे ही आपके पॉट्स तैयार हो जाएंगे। अब इसमें मैं इन दो पॉट्स के हिसाब से, क्योंकि मुझे लेयरिंग करनी है, 3 लेयरिंग मैक्सिमम करनी है, तो उस हिसाब से मैं अभी 2 लेयर के हिसाब से इसमें वॉल पुट्टी घोल रही हूँ। तकरीबन 2 बड़े चम्मच इन पॉट्स के लिए बहुत रहेगी, तो इसके अंदर मैं पानी से वॉल पुट्टी का घोल बनाऊँ। घोल नहीं बनाना है, एक्चुअली पेस्ट बनाना है थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा क्योंकि एकदम से पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत ही लिक्विड बन जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा लिक्विड वाली नहीं चाहिए, एक पेस्ट फॉर्म में चाहिए। तो आप धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे वॉल पुट्टी में पानी। देखिए ये पेस्ट रेडी हो गया है, बस अच्छे से इसको घोल लेना है, इसमें बस गुठलियाँ या लम्ब्स ना रह जाएं, नहीं तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा पॉट्स के ऊपर। तो देखिए ये तैयार हो गया है। अब क्या करना है, ये जो हम लोगों ने पॉट्स पे पेपर रैपिंग किया है, पेपर चिपकाया है, उसके बाद इसकी एक बहुत अच्छे से एक लेयर जो है इन पॉट्स के ऊपर लगा देंगे। शुरुआत में आप चम्मच का या जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं उसका कर सकते हैं, बाद में ये फिनिशिंग टच तो इसमें हाथ से ही देना पड़ेगा, बिकॉज मैं लगा ले रही हूँ एक बार अच्छे से इसको। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, मतलब मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए सबसे अच्छी बात तो है आपका वेस्ट जो भी है प्लास्टिक वेस्ट वो मैनेज हो रहा है, और बनने के बाद जो भी चीज़ें बन रही हैं वो बहुत ही अच्छी बन रही हैं। इस तरह से बहुत अच्छे से लेयर इस पर लगा लेंगे हम। देखिए मैंने एक लेयर इस पर बहुत अच्छे से लगा लिया है। अब इसको देखिए आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ये, तो इसको एकदम स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए हमें इस पर पानी से थोड़ा थोड़ा हल्का फिंगर पे पानी ले लेकर इसको स्मूथ करना पड़ेगा, जिससे ये एकदम प्लेन हो जाए। हल्का हल्का फिंगर पे पानी लगाएंगे और इसको बिल्कुल प्लेन कर देंगे। देखिए काम अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा सफाई से करिएगा, नहीं तो फिर थोड़ी फर्स्ट टाइम हो सकता है अजीब सी बने, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई करोगे ढंग से पेशेंस के साथ तो चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। देखिए एक कोटिंग इस पे कर दिए, अब इसको मैं उल्टा रख के सूखने के लिए रख दूँगी, और इसी तरीके से मैं दूसरा वाला जो पॉट है उस पर एक कोटिंग करूँगी। तो ये जो मेरा बाकी का बचा हुआ पेस्ट है उसको मैं उस दूसरे वाले कंटेनर पर एक लेयर लगा दूंगी। 3 लेयर लगानी है फाइनल, उसके बाद हम फिर कोई भी इस पर पेंट यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये दूसरे पॉट पे भी मैंने लेयर लगा ली है, और सेम इस पर भी हल्का सा पानी फिंगर पर ले लेकर इसको भी हम बिल्कुल ही स्मूथ कर देंगे। और ये मेरा भी फर्स्ट कोट हुआ है, इसके बाद अब मैं इसके ऊपर जब ये सूख जाएगा इसी तरीके से 2 कोट और करूँगी। सेकंड कोट सिंपल मेरा वॉल पुट्टी का होगा, एंड थर्ड कोट में मैं हल्का सा फेविकॉल मिला के एक फ़ाइनल कोटिंग दूंगी, जिससे कि ये एकदम से मजबूत हो जाए। तो करके देखिएगा, बहुत ही आसान है, देखने में ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, एंड बच्चों से भी करवा सकते हैं अगर आपके घर में ये बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा उनका।
अब देखिए फाइनल तीन कोट करने के बाद हमें फिनिशिंग जो एकदम फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा। इसको मैंने रेगमाल जो आता है अपना दीवारों को प्लेन करने के लिए जो रेगमाल यूज़ करते हैं इस तरीके से आता है, तो ये मैंने यूज़ किया है इसको रब करने के लिए, एकदम प्लेन करने के लिए। और आप देख पा रहे होंगे एकदम से प्लेन सरफेस है। ये मैंने वाइट रखा है, ये ओनली बिरला पुट्टीज से ही बना हुआ है। और देखिए ये आपको पिंक कलर का जो कोट दिख रहा है इस पर, ये मैंने पिंक किया नहीं, एक्चुअली बिरला जो पुट्टी थी उसमें, सॉरी वॉल पुट्टी थी उसके अंदर मैंने रेड कलर थोड़ा सा मिक्स कर लिया था जिससे कि पिंक कलर आ गया था। और मैंने पूरा लास्ट कोट जो किया था पिंक कलर से किया था, लेकिन मुझे इस पर कलर इतने खिलकर नहीं आ रहे थे, तो इसलिए ये मैंने जो दूसरे बनाए हैं एकदम वाइट बनाए हैं। फाइनल जो कोटिंग की है यानी थर्ड कोटिंग की है उसमें हल्का सा फेविकॉल मिला लिया था और कर लिया है। अगर आप करना चाहें तो इन पर पेंट्स भी कर सकते हैं सिंपल, अलग अलग आप अपने आइडियाज़ लगाकर। मैं अभी ये दो पॉट जो हैं आपको लीफ इंप्रेशन वाले, क्योंकि ये मुझे सबसे आसान लगते हैं और हर कोई इनको बना सकता है, इसलिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे करने। देखिए सबसे पहले मैं पीपल के पेड़ की पत्तियाँ लेकर आई हूँ और इस पर इस तरीके से मैं ब्रश से एक्रेलिक कलर लगा लूँगी। ये ट्रिक सबसे आसान होती है, हर कोई इसको कर सकता है और बहुत ही इजीली आसानी से ये हो जाती है। देखिए बहुत ज़्यादा कलर नहीं लगाना है, बहुत पतली सी लेयर लगानी है क्योंकि हमें सिर्फ उसका इम्प्रेशन देना है, पूरा का पूरा पत्ता नहीं छापना है, बहुत ही गंदा लगेगा अगर ज़्यादा कलर हो गया तो। देखिए ये मैंने इस बोतल पर पहले मैं इसको सीधे वाली शेप में लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जो भी आपके दिमाग में आए आइडिया आप वो कर सकते हैं, और इसको हल्के से बस प्रेस कर देना है चारों तरफ से कर दीजिएगा जिससे कि पूरा जो लीव्स है वो पूरा का पूरा छप जाए। इसको धीरे से उठा लेंगे इस तरीके से, देखिए पत्ती का शेप आ गया। अब आपकी मर्जी है आप इसी कलर से करना चाहें या ग्रीन कलर से, मैं ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन रख रही हूँ। इसी तरीके से मैं पूरे पॉट पर पेंट कर रही हूँ अभी। ये देखिए दूसरे पॉट पर मैं दूसरी तरीके की पत्ती का यूज़ कर रही हूँ। आपको जो लीव्स पसंद है आप उसका इम्प्रेशन इस पर लगा सकते हैं, जो मन में है वो कर सकते हैं। ड्राइंग अच्छी है तो ड्राइंग कर सकते हैं। ये तरीका मैं इसलिए अपनाती हूँ क्योंकि ये हर कोई कर सकता है, ये किसी को भी ज़रूरत नहीं है किसी की ड्राइंग अच्छी हो, बस थोड़ा लगाना सावधानी से है। देखिए इस तरीके से ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया है मेरा। अब बस इसके ऊपर मैं वार्निश कर दूंगी जिससे कि ये जो मैंने पेंट लगाया है वो एकदम से सील हो जाए और पानी इसके ऊपर जब भी गिरे तो ये ख़राब ना हो, तो मैं अभी इस पर वार्निश करने वाली हूँ। वार्निश मैंने ओपन कर लिया है और बस इसका एक कोट मैं वार्निश का इसके ऊपर कर दूँगी तो इसके जो कलर हैं वो एकदम से पक्के हो जाएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, बहुत ही आसान है बनाना, कोई भी बना सकता है और बहुत ही ज़्यादा खर्चे वाला भी नहीं है, बहुत ही कम खर्चे में आपके जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं वो और बाकी का वेस्ट है जो मैनेज हो जाएगा।